तुम सबको ऑलरेडी पता है मैंने पार्टनर प्रोग्राम छोड़ दिया, बहुत टाइम होगा, इट्स बीन 3 to 4 months में पार्टनर प्रोग्राम में न्यू, बट तुम लोग के अंदर एक सवाल है कि भाई तू पार्टनर प्रोग्राम ने नहीं है बट स्टिल यू हैव वी वैज, तेरे पास वो वैज अभी भी है, दैट मीन्स तू हम लोगों को झूठ बोल रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, बिकॉज अगर मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ, मेरे पास वी वैज है, तो तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ ही सकता है। तो पार्टनर प्रोग्राम छोड़ने के 3-4 महीने बाद फाइनली आई हैव लॉस्ट माई वी वैज एज वेल, अभी विश्वास हो रहा है या फिर अभी भी नहीं हो रहा है? ओके, चलो मैं गेम के अंदर घुस गया, बहुत टाइम बाद तुम लोगों को दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पर मेरी आइडिया तुम लोग देख सकते हो, एंड व्हाट इज दिस भाई, एनिमेशन क्या कर दिया बैकग्राउंड का, बहुत बेकार लग रहा है सच में, पहले वो पर्पल कलर का बढ़िया था। ओके, जो भी है ये देख सकते हो, हियर्स माय आईडी, वही है 7571916 28, मैंने यूआईडी चेंज वगैरह कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, कुछ लोगों के मन में भी डाउट वाउट आ सकता है, बट या दैट्स माय रियल वन एंड देयर्स नो वी वैज, तुम लोगों का जैसा अभी मेरा भी सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर ब्रोज, ठीक है, या फिर बोलो गले लग जाए। या फिर वी वैज जाने के साथ साथ आई होप अभी तुम लोगों को भरोसा हो गया कि मैंने सच्ची में पार्टनर प्रोग्राम छोड़ दिया, मैंने झूठ बोल के वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, मेरे को पता है, बट मैंने आज तक अपने वीडियो में कभी झूठ बोला नहीं और मैं बोलना भी नहीं चाहता, और ये सारे छोटी मोटी मैटर, पार्टनर प्रोग्राम, वी वैज, इन सबको लेकर झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गेम के अंदर आया, बहुत सारे लोग इन्वाइट कर करके पूछ रहे थे भाई कि मतलब वीवैच कहा गया, मैं वीवैच चला गया एंड ऑल, बिकॉज सब लोगों को पता नहीं, मैंने छोड़ के रखा। यहाँ पर आई होप तुम लोगों को जवाब मिल चुका, अब तुम्हारे अंदर एक और सवाल आ सकता है कि वीवैच जाने के बाद कैसा लग रहा है भाई, नथिंग, लाइक सीरियसली फॉर रियल, एक सिंगल 1% भी कुछ दिल के अंदर नहीं है, बिकॉज वीवैच नेवर लाइक मैटर टू मी, नेवर लाइक कभी नहीं, जब मेरे पास आया तब से लेकर अभी तक। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम लोगों को पता है, जो वी बैच के ऊपर कंटेंट बनाता है कि मेरा वी बैच चला गया, अगर इन्होंने ले लिया एंड ऑल, अलग अलग ऐसे टाइटल देकर बहुत सारे कंटेंट बनाते रहता है, फिर वी बैच वापस आता है, फिर वीडियो बनाता है, ऐसे मतलब कंटिन्यू वीडियो बनाते रहता है, ये सब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो तुम वीडियोज वगैरह देखते हो ये गरीना के साथ स्क्रिप्टेड चीज है, बिकॉज कभी कभार जो गरीना के एडमिन है उन लोगों के साथ, इन्होंने जो क्रिएटर्स है जिनके अच्छे नंबर से व्यूज आते हैं, उनके साथ पर्सनली बातचीत होती है और उनको ये सारे कंटेंट के आइडिया वो लोग देता है, वो हेल्प करता है वीवैज लेने में, फिर वापस दे देता है, तो ये सारे चीज उनके लिए कॉमन है। अब तुम लोगों को लग सकता है मैं भी सेम कर रहा हूं, मैंने अपने लाइफ में आज तक वीवैज के ऊपर एक सिंगल कंटेंट नहीं बना, तुम जितना ढूंढना ढूंढ लो, और ये भी वीडियो इसलिए बना रहा ताकि तुम लोगों को ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा, मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं, बस प्रूफ करने के लिए, आई एम नॉट लाइंग ब्रो, कम ऑन। और ये पर एक सवाल तुम्हारे अंदर आ सकता है कि भाई 4-5 महीने पहले पार्टनर प्रोग्राम छोड़ और अभी वीवैज क्यों लिया, ये मेरे को खुद भी पता नहीं, लाइक फॉर रियल, अभी मेरे को लाइक इतने टाइम से वीवैज नहीं लिया, अभी क्यों लिया, ऐसा हो सकता है शायद उन लोगों ने अभी नोटिस किया इसलिए लिया, और जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता दे, तो पार्टनर प्रोग्राम के एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पर सारे क्रिएटर्स है, वीवैज लेने के साथ साथ मैंने कुछ ग्रुप से भी रिमूव कर दिया गया, किक आउट कर दिया गया, आई एम नॉट देयर एनीमोर, मतलब इतने टाइम तो मैं गेम छोड़ के रखा हर साइड से, तुम लोगों को पता है, एंड इसके साथ साथ अभी A to Z मेरे आस पास फ्री फायर का कुछ है ही नहीं, आई एम 100% फुल्ली आउट ऑफ दिस कम्युनिटी, प्लीज नेवर एवर काउंट मी इन। पर ऑडियंस के बीच में मैंने वीवैज को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज था, और मेरे को अभी तक पता नहीं चला कि इसको लेकर इतना क्रेज क्यों हुआ, लाइक व्हाई, इट्स जस्ट अ बैज, इट नेवर गेट्स यू एनीथिंग भाई। और जैसे तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बोला, वीवैज कभी मेरे लिए मैटर किया ही नहीं, उल्टा ये एकदम यू नो अनोइंग है बहुत ज्यादा, बिकॉज जब मैं गेम खेलता था, गेम के अंदर जाता था, रैंडम बंदे बात करने लगते थे, और जब मैं बात करता वो लोग पूछते थे भाई आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, वो भी पहले वीवैज देखे बिग फैन बोल के, इट्स काइंड ऑफ फनी, उन्होंने वीवैज देखे बिग फैन बोल रहे हैं, तुमको पता भी नहीं सामने बंदा एक्चुअली में कौन है, ये तो एक टाइप के लोग, दूसरे टाइप के भी ऐसे लोग हैं जो वीवैज देख के बिग फैन की जगह गालियां देता है, वो भी खतरनाक बंदा है, मतलब वीवैज डजंट मेक एनी चेंज, सब कुछ सेम है डूड। यहाँ पर शायद तुम्हें से बहुत सारे लोग एक बात पता नहीं जो मैं तुमको बोलना चाहूंगा, जो वीवैज है ये क्रिएटर्स अपने हिसाब से लेते हैं, जो गरीना वाले है वो एक फॉर्म फिल करने देते हैं, अगर तुमको वीवैज चाहिए तो अपने चैनल का लिंक ना UID दे दोगे और वो लोग वीवैज डाल देंगे एक दिन के अंदर, और ये फुल्ली डिपेंड करता है क्रिएटर के ऊपर वो वीवैज लेगा या फिर नहीं लेगा। सारे पार्टनर प्रोग्राम वालों के पास वीवैज है ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी बंदे जो पार्टनर प्रोग्राम में है बट उनके पास वीवैज नहीं है बिकॉज उन लोगों ने लिया नहीं। छोटी मोटी एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के, टोटल गेमिंग, यस, एक साल पहले वो खुद अपनी स्ट्रीम पे बोलता था मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ, वीडियो में नहीं हूँ, और ये मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल पुरानी बात है, तब उनके आईडी में भी वैच नहीं था, तो लोगों को भी लगता था वो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, बट डीप डाउन ही वॉज इन पार्टनर प्रोग्राम तब से, बिकॉज जब गरीना वाले हमको कुछ इवेंट वगैरह आते थे, यू नो, हमको सारे चीजें दे देते थे और सारे क्रिएटर का नाम था, साथ में एक लिंक का अलग पैनल था जहां पर हमको वीडियो पोस्ट करके लिंक वहां पर सबमिट करना होता था, तो वहां पर उस लिस्ट के अंदर सब्सक्राइबर वाइज यू नो सारे क्रिएटर का नाम आता, तो सबसे पहले जो था दैट वॉज टोटल गेमिंग ऑफ कोर्स, बट ही यूज्ड टू से माय पार्टनर प्रोग्राम में न्यू, बट ही वॉज देयर ऑन पार्टनर प्रोग्राम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो पार्टनर प्रोग्राम में होने के बाद वैसा क्यों बोलते थे, बट या जो वीवैज है ये
क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है, वो लेंगे या नहीं लेंगे। आई होप एटलीस्ट अभी तुमको वीवैच के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया। अरे वीवैच कुछ नहीं है, फालतू की चीज है, कचरा है भाई। और ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया ताकि तुम लोगों को ना लगे मैंने झूठ बोला और समथिंग, बिकॉज आई नेवर लाइड टू यू गाइस, आई नेवर लाइड टू माय ऑडियंस। चलो इस वीडियो में ये सारी चीजें बताना था, होप सब अभी क्लियर हो गया। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, लाइक बटन दबा देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।